हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लू लगने से कैसे बचें। आइए आपको आज बताते हैं कि लू लगने का घरेलू उपचार कैसे करें। लू लगना यानी कि गर्मी की चपेट में आना। धनिया। लू लगने से बचने के लिए धनिया के पानी में चीनी मिलाकर पीना बहुत लाभदायक होता है। तुलसी। तुलसी के पत्तों का रस चीनी में मिलाकर पिलाने से लू का प्रकोप नहीं होता है और इससे लू लगने पर बहुत लाभ होता है, चक्कर भी नहीं आते हैं। अतः तुलसी के पत्तों का रस नित्य पीना चाहिए गर्मियों के दिनों में। पानी। गर्मी में बार बार पानी पीने से भी लू नहीं लगती, क्योंकि बार बार पानी पीने से शरीर में पानी का स्तर बना रहता है और शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इसलिए गर्मी के दिनों में अधिक से अधिक मात्रा में पानी अवश्य पिए। प्यास। लू लगने पर प्यास के रस की कनपट्टियों और छाती पर मालिश करें और इसे पिए भी, इससे बहुत लाभ होगा। गर्मी में प्याज दिन में 2 बार खाएं और अपने पास भी रखें, इससे लू नहीं लगेगी। जब भी खाना खाएं प्याज साथ में अवश्य खाएं। प्याज लू लगने की रामबाण औषधि है। नींबू। 1 ग्लास पानी में 1 नींबू निचोड़कर स्वाद अनुसार पीसी हुई मिश्री डालें और इसको पिए, इससे भी लू का प्रकोप नहीं होता है। शहतूत। लू से बचने के लिए हर रोज शहतूत खाएं, ये भी लू के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इमली। लू लगने से पकी हुई इमली के गुदे को हाथ और पैरों के तलवों पर मलने से लू का असर खत्म हो जाता है। इमली को भिगोकर इसका पानी पीने से गर्मी में लू नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।